हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अजीत बिजनेस आइडियाज में। मैं हूं आपका दोस्त महेंद्र सिंह। एक ही बात कहूंगा, सही देखिए, सही चुनिए। हेलो सर, क्या नाम आपका सर? राजीव गर्ग, प्यार से लोग मुझे राजा भाई कहते हैं। हाँ सर जी, काफ़ी दिनों से मैंने यूट्यूब पे आपका पहले वीडियो देखा था, उसके बाद में मैं सर्च कर रहा था, काफ़ी दिनों से सर्च कर रहा था कि एग्रीकल्चर की मशीनें जो प्रोडक्ट बनते हैं ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो मैं काफ़ी दिनों से आपका वीडियो देख रहा था और सोच रहा था कि आपसे बात की जाए। और सर्च करते हुए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे स्पेशल लुधियाना में आया हुआ हूँ और फ्रेंड्स मैंने खुद देखा है आपको, और आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ पे खुद इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। इनकी जो क्या होती है, मशीन एक होती है लेकिन इन मशीनों के काम अनेक होते हैं। हाँ सर जी, तो पूरी डिटेल दीजिए और बताइए। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो रात को आपने 12 बजे स्पेशल हमारे लिए बस पकड़ी और सुबह हमारे पास आए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब मैं इस मशीनों के बारे में आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जो ये इसका नाम है ब्रश कटर, छोटा सा नाम है, काम उसके बहुत अनेक हैं। जैसे कि इसके पहले मैं इंजन के बारे में डिटेल में बताऊँगा, फिर मैं आपको इसके एक एक चीज बारीकी में जानकारी दूँगा। ये जो इंजन देख रहे हैं 2 स्ट्रोक है, ये इंजन देख रहे हैं 4 स्ट्रोक है। 4 स्ट्रोक में सिर्फ एक ही इंजन आता है, 35 cc। जो 2 स्ट्रोक में इंजन आता है इसमें कई इंजन आते हैं, जैसे 22, 6 cc, 35, 42 cc, 52 cc। अब मैं जो इंजन लगाता हूँ वो बड़ा इंजन लगाता हूँ, 52 cc का ही इंजन लगाता हूँ। लोग क्या करते हैं, कस्टमर को फ़ोन करता है, हमें फार्मर को पता नहीं है, वो फ़ोन करता है 2 स्ट्रोक कितने का, उसने कभी पावर नहीं पूछता, वो सिर्फ ये पूछते 2 स्ट्रोक कितने का है या 4 स्ट्रोक कितने का है। अरे भाई, उसको पावर पता होनी चाहिए। भाइयों, आपको पावर के बारे में पता होना चाहिए, ये 26 cc, 32 cc, अलग अलग पावरों के आते हैं। ये सबसे बड़ा आता है 52 cc, मैं 52 cc का ही लगाता हूँ। अब इसका काम क्या क्या है, जैसे ये छोटा सा आप देखिए, ये है, ये घास काटने का, जैसे ये देख रहे हैं ना, मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा, इसका घास काटने का काम ये करेगा। और ये देख रहे हैं क्रॉप कलेक्टर, इस ये गेहूँ मक्की बाजरा काटने के काम आएगा। जो ये कट दिया हुआ है मैंने ब्लेड का, आप ध्यान से देखिए, ये ब्लेड, इसको डायमंड कट बोलते हैं। डायमंड कट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी ब्लेड की डायमंड से कटिंग की जाती है। ये क्रॉप कलेक्टर है, ये क्या करता है, क्रॉप को कलेक्ट करके ऐसे नीचे फेंकेगा, ठीक है जी। और ये क्या काम करता है, ये टीलिंग का काम करेगा। जैसे जो छोटे फार्मर है, वेजिटेबल लगाते हैं, वो क्या है, इसको गुड़ाई का काम करते हैं, आलू वगैरह बोलते हैं। अब फिर फार्मर बोलता है इसका प्राइस क्या है, ये मैं 13.5 हज़ार का दे रहा हूँ, ये 12.5 हज़ार का दे। फार्मर बोलता है यार 4 स्ट्रोक महंगा है, सस्ता दे रहे हो, 2 स्ट्रोक महंगा है। इसका भी एक टेक्निकली रीज़न है, इसका इंजन बड़ा है भाई, 52 cc का इंजन है। आप मेरी बात समझ गए ना, 52 cc। मेरा फर्ज है फार्मर को गाइड करूं, मैं समझाऊं प्रोडक्ट, वो किसी से भी ले पहले समझ के ले भी मैं क्या खरीद रहा हूं। जैसे कि ये 52 cc का इसलिए महंगा है, ये 4 स्ट्रोक है, सस्ता है, इंजन में पावर, क्योंकि जब हमने इसको चलाना है ताकत जोर लगेगी, इसके इंजन को पता ही नहीं चलेगा जब चलेंगे, इसमें जब चलाएंगे इसमें धुआं आएगा, ताकत नहीं है इसमें, इसके लिए ये रीज़न है। और फार्मर को, मेरा फार्मर एक्चुअली क्या है, जैसे हाथी को और फार्मर को अपनी ताकत का नहीं पता। आप ये बात मैंने आपको क्यों कह रहा हूँ, जो फार्मर है ये क्या है, किसी को भी फर्श से अर्श में कर सकता है, अर्श से फर्श में कर सकता है, समझ गए ना। इसको फार्मर को अपनी ताकत का नहीं पता, इसलिए मैं चाहता हूँ फार्मर को गाइड करना चाहूँ ताकि उसकी अपनी ताकत का पता लग सके। सर, मैंने आपके काफ़ी सारे प्रोडक्ट देखे, चलाए भी हैं, उनकी वीडियो भी बनाई है, लेकिन एक जैसे हम बाइक वगैरह में हाफ किक मारते हैं, इसका भी ऐसी देखा, आप जरा सा इसको हल्का सा खींचते हैं स्टार्ट हो जाती है, क्या खास बात है आप इसमें क्या है, हमने क्या है प्रोडक्ट को बढ़िया बनाने की कोशिश करते हैं ताकि फार्मर को दिक्कत ना आए। मैंने आपको बोला ना, जैसे फार्मर को अपनी ताकत का नहीं पता, हाथी को ताकत का नहीं पता, ऐसे फार्मर को नहीं पता। वो इसलिए नहीं पता, जैसे कि एक फार्मर गुरमीत सिंह है या कोई भी भाई है हमारे फार्मर है, वो हमसे ये प्रोडक्ट ले गया, उसके अगर मेरा प्रोडक्ट बढ़िया चला ना, उसके साथी को भी वो बोलेगा भाई राजा भाई का प्रोडक्ट लेके आओ, और किसी से नहीं लेना। उसके कल को बच्चे भी होंगे, वो भी राजा भाई का प्रोडक्ट भेज लेगा, क्योंकि उसका प्रोडक्ट ऑलरेडी बढ़िया चल रहा है, समझ गए ना मेरी बात। मैं प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान करता हूँ। कुछ कंपनियाँ क्या करती हैं, कुछ क्या दुकानें वाले क्या करते हैं, लूटने का काम करते हैं, क्वालिटी घटिया से घटिया देते हैं, कोई गारंटी नहीं देते, वारंटी नहीं देते, उनको ये है कि प्रोडक्ट चले ना चले बात खत्म। कई कंपनियों का मैंने अभी कुछ देखा है फार्मरों के पास, क्या करते हैं, बाजार से प्रोडक्ट लिया,
और सेल कर दिया, दुकान का नाम कुछ और, प्रोडक्ट का कुछ और नाम, बोलते हैं हम बनाते हैं। अरे भाई ऐसे कैसे, मेरा नाम राजा इंटरप्राइज है, मेरी फर्म का नाम मेरे नाम से है भाई, मेरी फर्म का नाम राजा इंटरप्राइज है, ब्रांड का नेम मेरा राजा है, आप मेरी बात समझिए, राजा मुझे मेरा खुद का नाम राजा भाई है, तो प्रोडक्ट तो मेरा ही हुआ ना। लोग क्या करते हैं, एक कंपनी का नाम, दुकान का नाम ए रख लिया और प्रोडक्टर का नाम डी रख लिया। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, बाकी समझदार खुद हैं आप, बाकी इसका मैं लाइव डेमो आपको दिखाई देता हूँ। फार्मर मेरे कितने हैं, ये कम से कम मेरी इस सीजन में 2000 से ऊपर मशीन गई है, क्या बात है, और तकरीबन कोई ऐसा ही 0.5% भी कंप्लेंट नहीं है मेरी, और लोगों के चलते नहीं है, क्योंकि मैं फार्मर का ध्यान रखता हूँ। सर इनके अंदर मेजर प्रॉब्लम क्या आती है? अरे राजा भाई का प्रोडक्ट लोगे ना, अच्छा, राजा भाई की प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छा, वो किसी और के या किसी और से लेते हैं और सेल कर देते हैं, उनके प्रॉब्लम आती है भाई। ध्यान क्या रखना पड़ता है? हाँ, ध्यान क्या रखना है, जैसे ये टू स्टोक है हमारा, इसमें एक लीटर में 40 ml TTL डालना है, बस इसका ये ध्यान रखना है, अकेला पेट्रोल में नहीं चलाना, ठीक है। एक चीज और मैं आपको इसकी खास बता दूं, जब इसको एक महीना या 15 दिन आपने रेगुलर यूज किया, उसके बाद इसको यूज नहीं करना, आपने क्या है इसका पेट्रोल निकाल के अपने मोटरसाइकिल में डाल देना है और ये एयर ये खाली कर देना है, बस इसका ध्यान रखना है, और किसी चीज का, और मैं बैठा हूँ ना ध्यान रखने के लिए, इतना आप कर लो, बाकी काम मैं कर लूंगा। सर इसको आपके जो प्रोडक्ट आपको कोई मंगाना चाहता है आपके पास नहीं आ सकता है, अगर कोई आपके पास आ सकता है तो प्लीज एड्रेस बताइए। देखिए प्रोडक्ट कैसे लेना है, 2000 रुपया हमारी कंपनी के अकाउंट में डलवाएं, मैं आपको कंपनी का अकाउंट नंबर दूंगा, आप हमें फ़ोन कीजिए, हमारा फ़ोन नंबर है 9915857797, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ 9915857797, नीचे डिस्प्ले पे भी चल रहा है, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप पे लिख के भेजें हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, और आप कंपनी के अकाउंट में 2000 रुपया डलवाएं, बाकी का पैसा हम आपके डिस्ट्रिक्ट तक डिलीवरी फ्री करेंगे, बाकी का पैसा आपको तब मिलेगा जब आप फिर वापस कंपनी में पैसा डलवाएंगे। कोई आना चाहता तो कैसे आएगा आपके पास? अरे हम उसका बहुत अच्छा लगेगा, हम उसका वेलकम करेंगे। देखिए लुधियाना आपको काफी पॉपुलर है, लुधियाना में आए इसी नंबर पे हमें कॉल करें, ठीक है, जा तो हम उनको लेने के लिए स्वागत करने के लिए हमारा बंदा लेके आएगा, नहीं वहां से लुधियाना से अहमदगढ़ हर 2 मिनट में बस चलती है भाई, तो हर 2 मिनट में बस जाती है भाई, अहमदगढ़ आइए, हमारा फार्मर के लिए स्पेशल गेस्ट हाउस बनाया है, फार्मर के लिए बनाया है भाई, मैंने अभी तक अपना घर भी नहीं बनाया, फार्मर के लिए कर रहा हूँ सब कुछ कर रहा हूँ, जो आपको पता है मेरा अभी भी नहीं घर, मैं फार्मर के लिए ही जी रहा हूँ बस। सर इसकी आपके जो प्रोडक्ट दिखाए इसकी कोई वारंटी गारंटी भी? बिल्कुल बिल्कुल, 1 साल की फुल गारंटी है भाई, जो हम कहेंगे हम इंस्ट्रक्शन देंगे वैसे चलाएंगे, जो सालों साल खराब ही नहीं होगा, अगर फिर भी फार्मर का कुछ खराब हो जाता है मैं उसको 24 घंटे में, मैंने वादा किया था, हर वीडियो में वादा करता हूँ, अब भी वादा करता हूँ, उसके हम कोरियर से सामान पहुँचाने की क्षमता रखते हैं। ट्रांसपोर्ट की क्या सुविधा है आपके पास? ट्रांसपोर्टेशन फ्री, मैं आपको बोल रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन का राजा, उन्हें आज तक किसी से एक पैसा कोई बोल दे फार्मर, एक भी फार्मर से हमने पैसा लिया, पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो प्रोडक्ट तमिलनाडु में गया है, चाहे वो बिहार में गया है, चाहे कश्मीर तक श्रीनगर में गया है, किसी से एक पैसा नहीं राजा ने पैसा लिया। तो फ्रेंड्स देखा आपने, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस बिज़नेस को नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर बेरोजगार को रोज़गार मिल सके और हर किसान को ताकत मिल सके, ताकि हर किसान आपकी अपनी एक ताकत पहचान सके। सर इस मशीन का डेमो चला के दिखा सकते हैं? आइए जी हम चला के दिखाते हैं, लाइव वीडियो दिखाते हैं, चलाइए।